दरगाह हजरत सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद शहंशाह मिस्र रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला पीर गए मुरादाबाद के सजादा नशीन व मुतवल्ली और ऑल इंडिया खानकाह एकता मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साहब ने सुल्तानी की मोहल्ला गुयाबाग में वाक़ रिहाइश गाह पर हर साल की तरह इस साल भी 21 रमजान शरीफ को मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की सालाना महफिल अकीदत एहतराम के साथ मुनाकिद की गयी। इस मौके पर नमाज असर के बाद कुल शरीफ का एहतमाम किया गया और दरगाह हजरत हाफिज सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ हजरत पहलवान शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन व ऑल इंडिया खानकाह एकता मिशन के नायब सदर हाफिज इफ्तिखार हुसैन साबरी ने दुआ फरमाई। मौला जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं रोज़ों को कबूल फरमा, जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं नमाज़ों को कबूल फरमा, जिन्होंने खैरात ज़कात दी उसको कबूल फरमा, खुसूसी तौर से जिन्होंने कलामुल्लाह शरीफ सुनाया है उनके सुनाने को कबूल फरमा और जिन्होंने सुना है उनके सुनने को कबूल फरमा। माह मुकद्दस की बरकतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ अता फरमा और जितने भी हाज़रीन यहाँ सैयद अली के दौलत कदी पर दस्तार मौला बिलखसूस अफ्तार में हाजिर हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा, बिलखसूस शहनशाह कुतुबुद्दीन का हम सब पर खुसूसी करम फरमा, मौलाए कायनात के करम से पंडित निफाक के करम से हम सबको मुस्तफ़ीज़ अता फरमा, हमारे सब के रोज़ों को हमारे सब के सजदों को कबूल फरमा, नमाजों को कबूल फरमा, मौला पाक तैयब अता फरमा, मौला रोजी दे रोजी में बरकत अता फरमा, खुसूसी तौर से हमारे मुरादाबाद पर खुसूसी करम फरमा, यहाँ के रहने वालों पर खुसूसी करम फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा, मौला हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान रहने वालों पर खुसूसी करम फरमा, हमारी मस्जिदों की मदरसों की खानकाहों की इबादत गाहों की सब हिफाजत फरमा। मुसलमान कुल शरीफ दुआ के बाद सभी हाजरीन के लिए इफ्तार और फिर नमाज मगरिब के बाद तुआम का भी एहतमाम किया गया। इस दौरान ऑल इंडिया खानकाह एकता मिशन के सदर व दरगाह हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह कटघर के सजादा नशीन नवाब हयातुन नबी खां मिशन के कन्वीनर और दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन अलहाज सैयद शिबली मियां मिशन के ट्रेजरार व दरगाह हजरत सैयदना शाह बुलाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी अलहाज इश्तियाक हुसैन अशफी, दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन अलहाज सैयद सरवर मियां खलीफा अनवर खुर्शीद कलीमी अलमारूफ अनुमिया कलीमी सैयद शाने अली सुल्तानी सैयद चांद अली सुल्तानी सैयद आफ्ताब अली सैयद मुनव्वर अली सैयद मुर्तजा अली शाह खालिद सुल्तानी सैयद सैयद अली मुकम्मली सैयद मोहम्मद अली मुकम्मली राहत हुसैन कलीमी टीपू अंसारी खलीफा आसिम कलीमी असलम साबरी मजाहिर मियाँ इरफान अली सुल्तानी डॉक्टर अबरार अफजल सुल्तानी खान सामा वगैरह समेत बड़ी तादाद में रोजादार मौजूद रहे। सैयद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, हमारे सुल्तान पाक के इस दौलत खाने पर जो सुल्तान जी का घर है हुजूर मौलाए कायनात के दस्तखान पेश हुआ है और उसमें हमारे तमाम मुतअद्दिब और मोहतरम जितने भी हैं मौला मुश्किल कुशा को चाहने वाले लोग सभी हाजिर हुए हैं और बस अल्लाह से मेरी दुआ अल्लाह उस मौला मुकायनात सुल्तान पाक की बारगाह में दस्तखान कबूल हो। लगभग कितने आगे तक और ज़्यादा कितने साल से प्रोग्राम यहाँ हो रहा है? जब से मैंने होश संभाला है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का? बस मैं यही कहूँगा कि अभी आखिरी अशरा है, वक़्लम के सबके में मौला कायनात के लोग दुआ मांगें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, मफ़रत की दुआ करें, अच्छे अमल करें, अच्छे काम करें और ऐसे दस्तखान बसी करें।